प्रिय छात्रों नमस्कार, आपके अपनी YouTube चैनल AK4 Academy में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का पूरा रियल पेपर 100% दोस्तों रियल पेपर। और आपको अगर PDF डाउनलोड करना है तो इस वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का हिंदी माध्यम का दोस्तों पूरा का रियल पेपर बात करेंगे और साथ में इसका हम PDF भी आपको शेयर करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा भौतिक शास्त्र का है दोस्तों, यह निर्देश दिया गया है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है दोस्तों? ये पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन है, यानी 6 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हैं। तो पहला ऑप्शन है तल के क्षेत्रफल पर, दूसरा ऑप्शन है तल के आकृति पर, तीसरा ऑप्शन है तल की प्रकृति पर और चौथा ऑप्शन है अभिलंब प्रतिक्रिया पर। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, शयन द्रव्य में सीमांत वेग से घिरने वाले पिंडों का त्वरण क्या होगा? पहला क्वेश्चन है शून्य, दूसरा है जी से अधिक, तीसरा है जी से कम और अगला है जी। दोस्तों सारे के सारे रियल पेपर 100% यह पेपर आपके ही एग्जाम में आएगा, तो पेपर को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्थिर आयतन गैस तापमापी आधारित है, किस नियम पर आधारित है दोस्तों? तो बायल के नियम पर, या पास्कल के नियम पर, या चार्ल्स के नियम पर, या दाब के नियम पर आधारित है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत चुंबकीय तरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, विद्युत चुंबकीय तरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जेम्स कार मैक्सवेल ने, या नील्स बोर ने, या जॉनसन कैपलर ने, या माइकल फैराडे ने? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर, आपका जो आंसर सही हो तो आप लगा सकते हैं। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मोल मात्रक नहीं है, मीटर, एम्पियर, लीटर, केबलिंग? दोस्तों आप देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन है। इसी तरह हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है? पहला क्वेश्चन है कार बराबर बल गुणे विस्थापन, दूसरा क्वेश्चन है कार बराबर ऊर्जा, तीसरा क्वेश्चन है शक्ति बराबर कार बटा समय और चौथा क्वेश्चन है कार बराबर शक्ति गुणे विस्थापन। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान पिंड में नहीं बदलती है। दोस्तों सही विकल्प का अंतिम क्वेश्चन है केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान पिंड की नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा, या कोणीय संवेग, या गतिज ऊर्जा, या रैखिक संवेग? आप देख सकते हैं इन सभी के सभी क्वेश्चन पूरा का पूरा रियल है, 100% पेपर में तबाही मचा दो दोस्तों। अगर इन सभी के सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लिए तो पेपर में तबाही मचा सकते हो, तो वीडियो अंत तक बने रहिए। इसी तरह हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, इसमें से 7 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के सारे प्रश्न रहेंगे। तो रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, महर्षि कड़ा डॉट दर्शन की प्रेरणा थे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है टाप बढ़ाने पर प्रत्यास्थान गुणांक का मान कितना होता है? अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल पर बालयान वेग का मान क्या होगा? इसी तरह अगला क्वेश्चन है नियमित पिंडों का द्रव्यमान उसके किस पर निर्भर होता है? अगला क्वेश्चन है कार व ऊर्जा का एएसआई मात्रक क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, कार एवं ऊर्जा का एएसआई मात्रक क्या होगा? इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? ये सभी के सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, 100% आपके पेपर में आएगा। 1 दिसंबर को पूरा का पूरा यही पेपर आएगा दोस्तों, सभी के सभी तैयार कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, एक वाक्य में उत्तर लिखना, इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, दूसरा क्वेश्चन है प्रतिबल का मात्रक क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आदर्श तरल किसे कहते हैं, चौथा क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण की विधियों के नाम लिखिए, अगला क्वेश्चन है कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, अगला क्वेश्चन है किस वस्तु का न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है, अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है। जी दोस्तों, ताप बढ़ाने पर घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। इसी तरह बात करते हैं सही जोड़ी बनाई। जी हाँ दोस्तों, सही जोड़ी बनाना है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है जल तुल्यांक, जल तुल्यांक इधर क्वेश्चन है कैंडला, समतपी परिवर्तन इधर है 746 वाट, एक अक्ष शक्ति का मान होता है तो ग्राम, बल है तो पीवी बराबर केटी, अगला क्वेश्चन है संवेग में परिवर्तन तो इधर है आवेग, इधर है ज्योति तीव्रता का मात्रक तो इधर है ताप नियत रहता है, इधर है गैस का समीकरण तो इधर है द्रव्यमान गुणे त्वरण। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, पेपर में आप छाप देंगे पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों प्रक्षेप गति क्या है, यह 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर शो रहा है। इसके अथवा का प्रश्न है जड़त्व क्या है। जी हां दोस्तों, इसके अथवा का प्रश्न है जड़त्व क्या है। और क्वेश्चन नंबर 6 है गुरुत्व से आप क्या समझते हैं, गुरुत्व से आप क्या समझते हैं। इसके अथवा का प्रश्न है द्रव्यमान किसे कहते हैं। जी हां दोस्तों, इसके अथवा का प्रश्न है द्रव्यमान किसे कहते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जी दोस्तों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, चार्ल्स के स्थिर दाब का नियम लिखिए, जो कि भेरी से भेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चार्ल्स के स्थिर दाब का नियम लिखिए आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह हम बात करते हैं इसके अथवा का प्रश्न है, तो इसके अथवा का प्रश्न है आवर्ती गति किसे कहते हैं। इसके अथवा का प्रश्न क्या है, आवर्ती गति किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोलनी गति किसे कहते हैं। सारे के सारे पेपर आपके रियल पेपर, 100% रियल पेपर है दोस्तों, आपके पेपर में यही के यही क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह हम बात करते हैं दोस्तों दोलनी गति किसे कहते हैं। इसके अथवा का प्रश्न है बर्फ छूने से ठंडी प्रतीत होती है क्यों, यह सभी के सभी 2 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं ऊष्मा गति का शून्यवा नियम क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा गति की का शून्यवा नियम कौन है। इसके अथवा का प्रश्न है तरल दाब से आप क्या समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, तरल दाब से आप क्या समझते हैं, इसका यह सही मात्रक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं पास्कल के नियम लिखिए तथा इसके 2 उपयोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, पास्कल के नियम लिखिए तथा इसके 2 उपयोग बताइए। इसके अथवा का प्रश्न है बल युग में क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसके अथवा का प्रश्न क्या है, बल युग में क्या है। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है कार के मात्रक एवं विमाएं लिखिए। जी हाँ दोस्तों, कार के मात्रक लिखना है और इसके विमाएं भी लिखना है।